साथ ही पूरे देश के लिए मंगलवार का दिन एक ऐतिहासिक दिन होगा। पीएम मोदी उज्जैन में करीब 400 करोड़ से ज्यादा की लागत से बने श्री महाकाल लोक का लोकार्पण कर इसे देशवासियों को समर्पित करेंगे। महाकाल लोक में लोकार्पण की तैयारियां फिलहाल अंतिम दौर पे है। उज्जैन से लेकर इंदौर तक विशेष साज सज्जा की जा रही है। सीएम शिवराज सिंह चौहान खुद पूरे कार्यों पर नजर बनाए हुए हैं। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने ट्वीट कर महाकाल लोक का लोकार्पण पीएम मोदी के हाथों होने पर खुशी व्यक्त की। सीएम ने लिखा है कि ऐसा लग रहा है जैसे जीवन सार्थक हो गया हो। 2016 में जो कल्पना आई थी कि एक ऐसी शिव सृष्टि जिसमें महाकाल महाराज के दर्शन के बाद भक्तों को शिवलीलाएं देखने को मिले, 2017 में विद्वानों से विचार विमर्श हुआ और 2018 में कैबिनेट ने इस प्रकल्प को स्वीकृत दी। श्री महाकाल लोक के प्रकल्प के बारे में जो सोचा था उससे कहीं बहुत उत्तम, अद्भुत, अकल्पनीय और एक ऐसा काम जो हमारी सांस्कृतिक अभ्युदय का काम है वह हुआ है। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारत में सांस्कृतिक पुनरुत्थान का काम हो रहा है। पहले बाबा केदारनाथ धाम का पुनर्निर्माण हुआ, फिर भगवान काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बना और अब महाकाल महाराज के परिसर में श्री महाकाल लोक की अद्भुत रचना हुई है। पूरी उज्जैनी अवंतिका, पूरा मध्य प्रदेश आनंद से भरा हुआ है। महाकाल महाराज की इच्छा से ही यह कार्य संपन्न हुआ है और उनकी कृपा बरसेगी। अद्भुत आनंद का विषय यह है कि स्वयं प्रधानमंत्री अपने हाथों से श्री महाकाल लोक का लोकार्पण करेंगे। चारों तरफ आनंद है, उत्सव है, उल्लास है, प्रसन्नता है। पूरा प्रदेश श्री महाकाल लोक के लोकार्पण के इस पुण्य अवसर पर सज रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे जीवन सार्थक हो गया। 2016 में जो कल्पना आई थी एक ऐसी शिव सृष्टि जिसमें शिव लीलाएं देखने को मिले, महाकाल महाराज के दर्शन के बाद भक्तों को, 17 में विद्वानों से विचार विमर्श हुआ और 2018 में मध्य प्रदेश की कैबिनेट ने इस पूरे प्रकल्प को स्वीकृति दी, लेकिन जो सोचा था उससे कहीं बहुत उत्तम, अद्भुत, अकल्पनीय और एक ऐसा काम जो हमारी सांस्कृतिक अभ्युदय का काम, भारत का सांस्कृतिक पुनरुत्थान हो रहा है। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पहले बाबा केदारनाथ, फिर काशी विश्वनाथ और अब ये एक अद्भुत रचना हुई है और पूरी उज्जैनी अवंतिका, पूरा मध्य प्रदेश आनंद से भरा हुआ है कि महाकाल महाराज की इच्छा से ही ये काम संपन्न हुआ है और उनकी कृपा बरसेगी। और अद्भुत आनंद का विषय ये है कि स्वयं प्रधानमंत्री जी अपने हाथों से श्री महाकाल लोक का लोकार्पण महाकाल महाराज को ही करने पधार रहे हैं। चारों तरफ आनंद है, उत्सव है, उल्लास है, प्रसन्नता है और पूरा प्रदेश सज रहा है।